दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने जमानत पूरी होने तो बाद तिहाड़ जेल में पुलिस अगे आत्म समर्पण कर दिया। आत्म समर्पण तो पहला केजरीवाल ने अपने समर्थकों को संबोधन किया। केजरीवाल ने सवाल किया है कि वोटों की गिनती तो दिन दिन पहला फर्जी एग्जिट पोल करवाने की की लोड़ सी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी ने मशीनों नाल घपला किया है। मैं संदीप पाठक ने कहा और भारत गठजोड़ दी सारिया पार्टियां कहना चाहता हाँ कि गिनती पूरी होने तक पूरी तरह चौकस रहन। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया, कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे, आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, एक राउंड में, दो राउंड में, तीन राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं, उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं, उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं, उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं, फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के, आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे बाकी। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एग्जिट पोल को कल्पना करार देते हुए कहा कि यह पोल की सच्चाई नहीं, एक मोदी मीडिया का काल्पनिक पोल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल नहीं सगो मोदी मीडिया पोल है, इस विच कोई सच्चाई नहीं। उन्होंने दावा किया है कि 4 जून को सामने आ रहे नतीजों में इंडिया समूह को 295 सीटा मिल रही हैं। राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाल के गीत का जिक्र करते हुए कहा कि सानू 295 सीटा आउणगियां। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। मानसून तय समय तो 6 दिन पहला उत्तर पश्चिमी बंगाल पहुंच गया है। आईएमडी ने 6 जून तक राज विच इसके दाखले की भविष्यवाणी की है। इस दे नाल ही देश के वख-वख हिस्सों ते उत्तर भारत समेत पहाड़ों में चल रही भयानक गर्मी ਅਤੇ ਲੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ NCR ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਭਰੀ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਨਮਾਨ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਮੋਲ ਗਨਮਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
मंत्री 16 जून नू अपना गृहस्थी जीवन शुरू करनगे। कैबिनेट मंत्री दा व्याह 16 जून नू निश्चित होया है। दसदी कि लाड़ा शाहबाज सिंह पेशे वजो वकील है। व्याह समागम दा प्रोग्राम जीरकपुर दे इक पैलेस विच रख्या गया है। दसदी कि इस तों पहला पंजाब दे कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस अते गुरमीत सिंह मीतहेर दा व्याह होया सी। इस तों इलावा कई विधायकां दे वी व्याह हो चुके हन। अनमोल गनमान ने खरड़ विधान सभा हलके तो साल 2022 विच पहली बार विधान सभा चोण लड़ी अते जीती। इस नाल ही सूबे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री का अहुदा दिता गया। इस नाल ही उन्होंने कोल पंजाब सरकार का सैर सपाटा विभाग भी है। इस नाल ही उन्होंने पहली बार पंजाब विच सैर सपाटा सम्मेलन आयोजन किया जिस विच कई निवेशकों ने पंजाब विच निवेश करन लई दिलचस्पी दिखाई है। अते हुण पंजाब दे कैबिनेट मंत्री अनमोल गनमान अपनी नवी जिंदगी की शुरुआत करन जा रहे हैं। अनमोल गनमान जल्द ही विआह दे बंधन विच बंज जा रहे हैं। लोक सभा चोणां तो अगले ही दिन जलंधर की सियासत विच वड्डा उलटफेर देखण नूं मिलिया। दरअसल उन्हां आगुआं दीआं आसां दे पाणी फिर गया है जो जलंधर पछमी सीट तो जिमनी चोण लड़न की उड़ीक कर रहे सन। दस दें कि जलंधर पछमी तो विधायक शीतल अगराल वट्टा झटका देंदे हुए यू टर्न लै गए हैं। उन्होंने विधायक के अहदे तो अस्तीफा हुण वापस लै लिया है। उन्होंने विधानसभा के स्पीकर नूं एक पत्र लिखा है जिस विच उन्होंने कहा है कि जेकर उन्हों का अस्तीफा प्रवान हो जाता है तो जलंधर पछमी सीट पर मुड़ तो चोण करवानी पवेगी जिस कारण चोण ते खर्चा भी होने वाला है। फिलहाल इसते शीतल अगराल की कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई पर सोशल मीडिया अकाउंट तो मोदी का परिवार हटा दिता गया है। दस दी कि लोक सभा चोणों तो पहला शीतल अगराल आम आदमी पार्टी छड़ के भाजपा में शामिल हो गए सन और विधायक के अहदे तो अस्तीफा दे दिता से जिसन स्पीकर ने अजे तक स्वीकार नहीं किया। जानकारी मिली है कि शीतल अगराल ने 3 जून नू पेश होना सी पर इस तो पहला ही उन्होंने सियासत विच वड्डा धमाका कर दिता है। उन्होंने विधायक के अहदे तो अस्तीफा वापस ले लिया है। तो 4 तारीख को भी मंगलवार है और बजरंग बली का मेरे ऊपर पार्टी के ऊपर बहुत आशीर्वाद है, देश के ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंग बली को कि हे बजरंग बली मेरे देश को बचा लो। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया, कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे, आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में 2 राउंड में 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं, उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं ईवीएम मशीन होती है उसकी पर्चियां पड़ती हैं, उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं, उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं, फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के, आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। बाकी एक थ्योरी ये चल रही है कि
अफसर शाही पे दबाव डालने के लिए अगले तीन दिन में अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया, भाई आ तो हम ही रहे हैं तो हमारी बात मानो, उल्टे सीधे काम करो, काउंटिंग में गड़बड़ कराएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, अपने को, अपने काउंटिंग एजेंट, एआरओ, सब आरओ, सब लोगों को अपने को ट्रेन करके भेजना है और अपने को चौकन्ना रहना है। बाद में हम कहते रहे इन्होंने ये कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं होगा, अभी अपने को चौकन्ना रहना है। एक छोरी ये चल रही है कि अगर इन्होंने कल ही कम सीट दिखा दी होती एग्जिट पोल वालों ने, तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ आरएसएस में और बीजेपी में कल ही बगावत शुरू हो जाती, 4 तारीख तक इंतजार ही नहीं होता, हो सकता है। तो कई सारी थ्योरी चल रही है, लेकिन अपने को सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है। मेरा अपना मानना है कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है। ये एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत ही नहीं है, माइंड गेम है इनका, माइंड गेम खेल रहे हैं। आपको डिस्करेज करने के लिए, डिप्रेशन में डालने के लिए बिल्कुल नहीं जाना। आप इस उससे जाओ कि आप जीत रहे हो, आप अपने उस कॉन्फिडेंस से जाओ कि आप जीत रहे हो, और आखिरी तक आपको बैठे रहना है, किसी भी हालत में बैठे रहना है आपको। हमें हर एक को लड़ना पड़ेगा, ये चुनाव किसी पार्टी का या किसी नेता विशेष का नहीं है, ये चुनाव इस देश को बचाने के लिए है, इस देश में जनतंत्र को बचाने के लिए है। जिसके लिए भगत सिंह, गांधी जी सब लोग लड़े थे, वही माहौल आज है। जिस तरह से हमने अंग्रेजों को हटाया था, आज इस सत्ता को अपने को हटाना है। तो मैं सभी, आप सब लोगों का, सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत साथ मिला आप लोगों का इन 21 दिनों में। अब जब भी मैं लौट के आऊंगा, फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए अलविदा।